Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic. मैं अक्सर सोचता हूं, why do I cook? Is it because I'm a chef? Or is it to feed people? या मैं किसी ऐसे जायके की तलाश में हूं जो मुझे अभी मिला नहीं? It's not that. खाना मेरे लिए एक जरिया है जुड़ने का, लोगों से, जमीन से और अपने आप से. खाना मुझे जोड़ता है पुरानी यादों से और नए रिश्तों से. मैं ठहरना चाहता हूं ताकि अपनी रसोई को, अपनी कुकिंग को थोड़ा वक्त दे सकूं और इस 20 साल पुराने रिश्ते को एक बार फिर ताजा कर सकूं. आफ्टर ऑल आई एम बिकॉज आई कुक. पुराने रिश्ते, पुराने नुस्खे और मेरी रसोई. राजा रसोई और अंदाज अनोखा. मन्नू भाई. हाँ सर. आज तो कमाल ही हो गया. 10 साल पुरानी रेसिपी आज हमको मिली. क्या खूबसूरत रेसिपी है मुर्ग छोले की. और नीचे शेफ ने देखिए उर्दू में साइन किया है. मुर्ग छोले? इसको क्या भटूरे के साथ खाते हैं? नहीं, वैसे तो नान और रोटी के साथ खाते हैं. आप भटूरे के साथ खाइए. सर पहले तो नहीं सुना इस रेसिपी के बारे में. सब ऐसा ही होता है मन्नू भाई, धीरे धीरे ना, जैसे हम चीजें लिख के भूल जाते हैं. सब ये रेसिपी जैसे मैंने लिख के छोड़ दी यहाँ पे. वैसे खाना भी कई बार फैशन में आता है, धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं. लेकिन आज हम इसको वापस से बनाएंगे. बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे. देखिए कितना खुशकिस्मत हूँ मैं. खुशकिस्मत तो आप और बहुत कारणों से भी हैं. आप बनाइए अपने छोले. तैयार हो जाए तो बताइएगा यार, कुछ जरूरत पड़े तो. ओके मन्नू भाई, तो इस रेसिपी की कहानी है कि जब मैं बॉस्टन में रहता था तो इंडियन खाने की क्रेविंग बहुत होती थी और न्यूयॉर्क में इंडियन खाना बड़ा अच्छा मिलता. तो न्यूयॉर्क में लेक्सिंगटन एव, जहाँ बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर हम बॉस्टन से जाते थे और खाना खाते थे. एक दिन बहुत रात हो गई और रात में हमारे कैब ड्राइवर थे यासीन भाईजान, वो पाकिस्तान से थे. तो वो कहते हैं यार आपको हम खिलाते हैं, यहाँ पे हम खाते हैं रात को खाना. तो 2:30 बजे एक छोटी सी दुकान में हम गए और बस मोली जैसे पान का खुपचा होता है उतनी छोटी सी दुकान थी, राइट ऑन द कॉर्नर ऑफ लेक्सिंगटन एव. तो वहाँ पर हमने एक डिश खाई, मुर्ग छोलिया. और छोले के साथ में चिकन पका हुआ था. और क्या पका था साहब, मतलब एट गूज बम्प्स, रोंगटे खड़े हो गए. मैंने यासीन भाई से बोला, मैंने कहा यासीन भाई यहाँ पे रेसिपी देंगे क्या? वैसे मैं कहता भाई पूछने में क्या हर्ज है. तो काउंटर पर जनाब खड़े थे, उनके पास गए और उन्होंने बोला देखिए ये भी बावर्ची हैं और इनको खाना बहुत पसंद आया. तो बड़े खुश हो गए और खुश होकर उन्होंने सामने जो नैपकिन पड़ा था उस पर एक रेसिपी लिख दी और नीचे अपना खूबसूरत सा साइन कर दिया उर्दू में. तो ये इस तरह से उनकी सिग्नेचर डिश हो. और मैं इतना बदतमीज हूँ कि उनका नाम भी नहीं पूछा और ये उर्दू में लिखा हुआ है नाम. अरे रेसिपी ऐसी चल रही है, एक बार फिर जाएंगे और नाम पूछेंगे. और छोटा भी कर सकता हूं लेकिन चिकन और छोले को एक साथ पकना है तो इसलिए समय लगेगा. जब तक छोले पकेंगे तब तक चिकन ओवर कुक हो जाएगा, ओवर कुक हो जाएगा मजा नहीं आएगा. भाई मन्नू भाई को खिलाना भी तो. चिकन का मैरिनेशन बड़ा ही बेसिक है, सॉल्ट, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट और मैरिनेशन है तैयार. जिंजर गार्लिक पेस्ट में इक्वल जिंजर और इक्वल गार्लिक. थोड़ा जिंजर ज्यादा भी डाल सकते हैं, पंजाबी डिशेस में जिंजर ज्यादा पड़ जाए तो चलता है. भाई ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेसिपी ऑफ एनी पंजाबी रेसिपी, देसी घी. घी हो गया दुरुस्त. घी दुरुस्त करना लखनऊ का टर्म है कि हल्का सा स्मोक करके उसके अंदर लौंग डाल के छोड़ दिया जाता है और घी दुरुस्त हो जाता है. तो जी अब भी मैंने इसके अंदर डाला घी, घी के अंदर खड़े मसाले,
थोड़ा शाही जीरा और ढेर सारा प्याज। प्याज, टमाटर, चिकन, छोले। मन्नू भाई गड़बड़ हो गया यार, छोले भिगाने का तो टाइम ही नहीं मिला, क्या करें? जहां अपना चाहिए छोले। आज तो कमाल हो गया, आज तो रस्सी किस्म तो बनना लिखा है। क्या है? अपने लिए भिगोए थे रात में छोले चावल के लिए। मतलब आपका मेन्यू साथ में चलता रहता है, अगर रणवीर का खाना बनाने का मूड नहीं हुआ तो क्या करूंगा, छोटा शेफ। आज छोले चावल ने बचा ली इज्जत अपनी, थैंक यू मन्नू। हल्दी, मिर्ची, धनिया। खाना बनाते टाइम सबसे क्रिटिकल स्टेज बस यही है, मसाले कब डालने हैं और कितना भूनना है और कब मसाले को भूनना रोकना है। अगर मसाले ज्यादा भून जाएं, कड़वे हो जाते हैं, टेस्ट नहीं आता। कम भुने तो फिर कच्चा कच्चा सा टेस्ट आता है। मसाले का भुनना रोकने के लिए पंजाबी खाने में तुरंत टमाटर डाले जाते हैं। हिंदुस्तान में काबुल के रास्ते आने की वजह से नाम पड़ गया काबुली चने। एक्चुअली चने पकाने की मास्टरी जो है ना, ये पुराने पंजाब में बहुत हद तक थी। अब पिंडी चने जो है, लोग बोलते हैं कि पिंड यानी गांव के चने को पिंडी चने बोलते हैं, दैट्स नॉट ट्रू। रावल पिंडी को पिंडी भी कहा जाता था और वहाँ के चने बड़े मशहूर थे, इसलिए कि पहली बार वहाँ पर चाय में उबाल के चने बनाने का सिस्टम चला और आज भी पिंडी मसाला, पिंडी चने मसाला पैकेज होके आता है। और शायद उसी का एक एक्सटेंशन है, क्योंकि चने बनाने तो आ गए, अब चने में चिकन डाल के देखते हैं। आई थिंक दैट्स वेयर द डिश केम फ्रॉम। थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ चने में, उसके बाद उसको पकने दूंगा, चिकन भूनूंगा और कहानी खत्म। खड़े मसाले हो गए, चॉप प्याज हो गया, घी हो गया, टर्मरिक पाउडर हो गया, चिली पाउडर हो गया, जिंजर पेस्ट हो गया, गार्लिक पेस्ट हो गया, गरम मसाला बाद में डालूंगा, टमाटर के साथ भून लिया, बस चिकन और गरम मसाला, डिश तैयार। लास्ट टमाटर की मिठास, साथ में मसालों की स्पाइसीनेस, चना लगभग 70% कुक, भाई चिकन के साथ भी पकना है चने को। लेट्स ड्रॉप द चिकन। अब आंखें बंद करो और इमेजिन करो इसके अंदर क्या हो। इसके अंदर चिकन ने सारे जूसेस छोड़ दिए और पूरी ग्रेवी में चिकन का फ्लेवर आ गया है। और इसीलिए विद बोन चिकन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि असली फ्लेवर बोन्स में ही होता है। लग तो तैयार रहा है। वे मन्नू भाई के छोले की किस्मत थी या मेरी किस्मत थी कि इस रेसिपी को ऐसे मिलना था और यहां चिकन के साथ पकना था। जितना मर्जी चॉपिंग बोर्ड में काट लो, लेकिन वो हाथ में काटने की बात ही कुछ और। थोड़े बड़े बड़े पीस डालता हूं, मन्नू भाई को लगना चाहिए मिर्च खाई। ग्रीन चिली और कोरिएंडर की जो फ्रेशनेस है ना, तो खाने को कहीं से कहीं पहुंचा देती। मुर्ग छोलिया वैसे तो अर्स्टवाइल अनडिवाइडेड पंजाब की डिश है, लेकिन बंटवारे के साथ साथ डिशेस का भी बंटवारा हो गया। कुछ डिशेज ऐसी हैं जो उनकी हो गई, कुछ डिशेज हमारी बन गई, जैसे सरसों का साग हिंदुस्तान में आ गया और मुर्ग छोलिया पाकिस्तान वाले पंजाब में चला गया, और लाहौर में अब भी कई जगहों पे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बन जाता है। टमाटर, थोड़ी मिर्च, थोड़ा धनिया। टेस्टिंग में वेट नहीं करना चाहिए। इस डिश की खूबी इसका अखड़पन है, एकदम पंजाबियत अखड़पन जो इसके अंदर है, खड़े मसाले एंड दैट बैलेंसेस विद द क्रीमीनेस ऑफ द चिकपीस। चिकपी की जो हल्की सी मुलायम सी परत है, आउटस्टैंडिंग। एक लाहौर के शेफ थे बेली राम जी, और उन्होंने भी एक ऐसी रेसिपी बनाई थी जो आजकल कहीं खो गई है या सरहद के उस पार रह गई, वो बनाता हूं। अरे मन्नू भाई खा लेना, फिर आप बोलोगे ठंडा हो गया।
जब नॉस्टैल्जिया बढ़ जाता है ना तो मैं खुली हवा में अपना किचन बना लेता हूँ, बिकॉज यू नीड टू फील फ्री। क्या बात है मन्नू भाई, बड़ा सजा के लाया इसको। सर मैंने टीवी पे देखा है ना, ऐसे ही सजाते हुए। टीवी बहुत देखते हैं आप आज? नहीं सर, ये आज जब से आपसे मुलाकात हुई है फूड शो देखता हूँ, तो आज खाना बन रहा है विशेष। आज बन रहा है मटन बेली राम। बेली राम कौन थे? बेली राम लाहौर के एक उस्ताद थे। उस्ताद? उस्ताद, उस्ताद लखनऊ में उस्ताद होते हैं। उस्ताद, उनके नाम पे डिश का नाम पड़ गया। अच्छा, मैं अभी लिख ले रहा हूँ नोटबुक। अरे नोटबुक छूट गया, लेके आइए। आता भाई, कलई के बाद पहली बार इस्तेमाल हो रहा है बर्तन, अच्छे से रवा कर लेता हूं। एक या सरसों का तेल एंड क्यों, पंजाबी खाना पंजाबी होता है, चाहे हिंदुस्तान से हो या पाकिस्तान से, और पंजाबी खाने में क्यों देसी घी डालना बहुत जरूरी है। स्लाइस प्याज, प्याज को धीरे धीरे भूनता हूं। अगर तो यहां पे मन्नू भाई लेके आए होते हड्डी वाला गोश्त, तो प्याज को भूनने की जरूरत ही नहीं, प्याज को गोश्त के साथ मिलाते और दोनों चीजों को एक साथ भून लेते। लेकिन ये गोश्त जो है बोनलेस, इसके लिए प्याज को अलग से भूनना पड़ रहा है, क्योंकि गोश्त अब उतना समय नहीं देगा पकने के लिए। गोश्त को मैरिनेट करते हैं। मटन बोनलेस, गोश्त में भी मिलाता हूं थोड़ा कच्चा प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही, और मसाले, मसालों में हल्दी, लाल मिर्च, ढेर सारा धनिया, जीरा पाउडर, गैस करते हैं तेज और बात करते हैं बेली राम जी के धनिये से प्यार की। तो कहते हैं कि बेली राम जी को धनिये से इतना प्यार था कि उन्होंने इसमें हरा धनिया, धनिये के बीज और पिसा हुआ धनिया तीनों डाले। इस डिश की जान है धनिया। देयर इज अनदर सेइंग के जहां पे बेली राम जी अपनी दुकान लगाते थे, छोटी सी उनकी रेडी होती थी, और लाहौर के जहां पे उनकी दुकान लगती थी वहीं पर वो सुबह 10 बजे बनाना शुरू करते थे, 1 बजे मटन बनता था और 1:30 बजे दुकान बंद करके वो घर चले जाते थे। सिर्फ आधे घंटे में सारा का सारा मटन जो है खत्म हो जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि जब वो बना रहे होते थे सुबह 10 बजे से, तब से खुशबू ऐसी आनी शुरू होती थी कि लाइनें तब से लग जाती थी। फिलहाल खाने के साथ में किस्से कहानियों का रिश्ता जो है वो बहुत पुराना है, और आई थिंक दैट्स अ ब्यूटी ऑफ फूड, द फोकलोर दैट कम्स विद फूड। खाने के साथ जो किस्से आते हैं ना, उसकी खूबी ही कुछ और। ये गया भुना हुआ कुटा धनिया। जो जिंजर और धनिया का कॉम्बिनेशन है ना, इट्स द मोस्ट मीटीएस्ट कॉम्बिनेशन इन द वर्ल्ड। भुनने से पहले थोड़ा सा ब्राउन प्याज डालता हूं, थोड़ा सा कच्चा प्याज डालता हूँ, क्योंकि कच्चे प्याज वाली जो ट्रिक है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे। कच्चे प्याज से भी वो मीटीनेस आती है, हम बोलते हैं ना मीट जैसा टेस्ट आता है।
हल्का सा कच्चा प्याज ऊपर डालेंगे तो मीट जैसा टेस्ट आएगा। बिल्कुल हल्की सी कसूरी मेथी, अभी थोड़ी सी डालेंगे, बाकी बाद में डालेंगे। कसूरी मेथी, कसूर से आने वाली मेथी, पाकिस्तान के खाने में बहुत बहुत इस्तेमाल है। शायद इसीलिए एक कहावत है पंजाबी में, हमारे यहाँ बड़ी फेमस है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्मा नहीं, मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा वो अभी तक पैदा नहीं हुआ। चाहे वो महाराजा रणजीत सिंह का टाइम हो या मुगलिया सल्तनत का टाइम, लाहौर ने हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही ढूंढा है, आर्ट्स में, कल्चर में, फाइन आर्ट्स में और फूड में। और अगर पाकिस्तान के खाने की बात करें तो मेरा ये मानना है कि मुगलिया खाना जो है, मुगलई फूड जो है, एक्चुअली दिल्ली का नहीं है, ना ही वो आगरा का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई राजधानी रही है मुगलिया सल्तनत की तो वो रही है लाहौर। थोड़ा कच्चा प्याज और डालता हूँ, अदरक के लच्छे लास्ट में डाल देंगे ऊपर। वाघा बॉर्डर पे एक रेस्टोरेंट है सरहद, और वो रेस्टोरेंट बिल्कुल अमृतसर और लाहौर के बीच में, और रेस्टोरेंट ओनर इज वेरी यंग, 31 साल के होंगे, अमन करके उनका नाम। अब क्योंकि उनके पिताजी लाहौर में पैदा हुए इसलिए उन्होंने लाहौरी खाने को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और हर साल 2-3 महीने के लिए लाहौर से एक शेफ को बुलाते हैं वो। मैं एक बार सरहद गया, और जब मैं गया फॉर्चुनेटली वहां पर वो शेफ थे, और उन्होंने तब ये रेसिपी मुझको बताई। जो शेफ थे सरदार याकूब खान, उन्होंने वहां के पंजाबी खाने के बारे में बहुत सारी बातें बताई, और मैं अपने पंजाबी खाने के बारे में सोच रहा था, और सोचते सोचते ये तो समझ में आ गया कि पंजाबियत एक जज्बा है, इसको बाउंड्रीज नहीं बांट सकती। हाँ, खाना जोड़ जरूर सकता है। वो जज्बा है साथ मिल बैठ के खाने का, वो जज्बा है शाम को गलियों में निकल के अपने नुक्कड़ वाले तंदूर पे जाके वहां से रोटी लेने का, वो जज्बा है सांझे चूल्हे का, वो जज्बा है एक बार गुरु घर में जाकर सेवा जरूर करने का, और वो जज्बा इज बाउंड्रीलेस। धनिया बिल्कुल बराबर है, नमक थोड़ा डाल देता हूँ। एक पंजाबी लड़का जो लखनऊ में बड़ा हुआ, आई फील ब्लेस्ड क्योंकि मुझे दो तरह के खाने बिल्कुल आमने सामने देखने को मिल गए। एक पंजाबी खाना जो किसानों का खाना है, रोबस्ट इन योर फेस, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स, खड़े मसाले और खड़े प्याज, और दूसरी तरफ लखनऊ का खाना जिसमें नफासत है, फिनेस है, हर ग्रेवी को छाना जाता है और पूरा ध्यान बारीकी पे दिया जाता है। और शायद ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है ये मेरे को दोनों पहलू दिखाता है, एक तरफ तो उस खड़े मसाले वाले किसान के पंजाबी खाने का जायका, और दूसरी तरफ वो बारीकी से फिनिश किए हुए लखनऊ के नवाबी खाने की बात। तैयार। अरे मन्नू भाई। हाँ सर। लाला बेलीराम की कहानी लिख ली? हाँ सर, लिख ली लिख ली। आ जाओ खा लेते हैं। सर नमक बताइए, मुंह मत जलाइए। बढ़िया। ये लाला बेलीराम जो मटन बनाते थे कभी नहीं चखते थे, आते ही नहीं थे वो नॉनवेज। जय हो बेलीराम जी, क्या बनाया है? चलिए इसी बात पे आपके लिए ज्यादा निकालते हैं। ऐसा थोड़ा एक दो पीस ज्यादा पराठा बना लेंगे और खा लेंगे, रात का डिनर हो जाएगा। अच्छा, आप रात को डिनर करते हैं? हाँ। सब मेरे लिए है। और क्या, आपने इतने प्यार से इतनी सारी बातें लिखी, दिल खुश कर दिया। पंजाबी खाने में कच्चा अदरक ना जाए तो मजा कैसे आएगा? लिख लेता हूँ सर। क्या बात है, आज तो खुश कर रहे हैं आप। सॉरी। और बेलीराम जी का धनिया, जिसके बगैर मटन बेलीराम नहीं। अच्छा, थोड़ा सा फ्राई प्याज डाल देना।
अच्छा लग रहा ना? बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। वो पड़ोस वाली जूलियट आंटी है ना, उनको दे देते। जूलियट आंटी को दे? हाँ, क्यों? मैं, अरे इतना कुछ लेते हैं उनसे, नीम लेके आते हैं, कड़ी पत्ता लेके आते हैं, हल्दी मिर्ची, मतलब कुछ छोड़ा है? सर मुझसे भी आप बहुत कुछ लेते हैं। अरे तो आपके लिए है ना ये घड़ा भर के। मैं थोड़ा, अच्छा हाँ ठीक है, आऊँ। अच्छा सुनो, जूलियट आंटी से कड़ी पत्ता ले आते। अच्छा ठीक है। एक बड़ा अच्छा सा ईमेल आया मेरे को, और ईमेल पाकिस्तान में रावलपिंडी से थी। आई एम सॉरी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि आपके पिताजी पिंडी में पैदा हुए, उसके बाद आप फरीदकोट में जाके बस गए। मेरे पिताजी फरीदकोट में पैदा हुए थे और हम पिंडी में जाके बस गए। और लास्ट में एक लाइन थी जो मुझे कभी नहीं भूलती, वो ये कि मजबूरियां जो है वो इंसानों को अलग कर सकती हैं, जमीनों को अलग कर सकती हैं, आसमानों को अलग नहीं कर सकती। और दैट इज सो ट्रू फॉर फूड इज वेल। फूड इज द हायर थॉट। खाना जो है वो, खाना और भूख, वो बहुत ऊंची, इन सबसे ऊंची।